अच्छा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, पुल पे रुकते हुए मैंने देखा पुल रहा था। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस समय अभी एमजी सेतु पर हूँ और कल एक एमजी सेतु बनी है जिसका उद्घाटन हुआ है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए थे और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ हमारे बिहार में जो एमजी सेतु का निर्माण हुआ है उसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल ये हमारे पीछे एक एमजी सेतु है जो कि पुरानी वाली है और ये यहाँ पर यही एक एमजी सेतु थी और यहाँ पर रात रात भर जाम लगती थी, लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती थी और मैं इसी के सहारे जा रहा हूँ। अभी तो खैर पूरी काम इसकी नहीं हुई है लेकिन काफ़ी हद तक गाड़ी की परिचालन शुरू हो गई है और मैं दिखाता हूँ आगे चलकर आप लोगों को, इसकी पूरी व्यूज़ दिखाता हूँ। फिलहाल आप लोग स्टूडियो में बने रहें। हाँ तो गाइज, मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ से ये गांधी सेतु एमजी सेतु जो उद्घाटन हुई है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वही एमजी सेतु है जो कि कल माननीय नीतीश कुमार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी दोनों मिलकर ये से उद्घाटन किए हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये है, काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। इसे देखकर आप काफ़ी प्रभावित होंगे और ये हमारे पीछे देखिए पोस्टर है। गाइस, मैं इस पुल के बारे में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। ये गांधी सेतु है जो कि 15 जून 2017 से पूर्ण लेन निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तब इसकी अनुमानित लागत 13.82 करोड़ थी लेकिन अब ये लागत बढ़कर लगभग 21 करोड़ हो गई है। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये गांधी सेतु, गाड़ी कितनी तेज़ी से आना जाना कर रही है। अब वो आगे की व्यू है, ये भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी विशाल है ये। इसके बारे में तो मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता हूँ कि ये कितनी अच्छी बनाई गई है। और ये हमारे सामने देखिए ये कितनी सुनहरी, कितनी चंचल रूप से गंगा नदी बह रही है, इसे भी आप लोग देखिए। आप लोगों को कुछ एक और जानकारी देना चाहता हूँ, ये गांधी सेतु का पूर्ण लेन 66,360 मैट्रिक टन स्टील 25,00,000 नट बोल्ट कसा गया है और इसके बनने के बाद अब हम लोग 15 से 10 मिनट के अंदर में हम लोग पटना से हाजीपुर जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी लगती है इसे देखने में, लोग काफ़ी तेज़ी से आना जाना कर रहे हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी उन्हें नहीं हो रही है। और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो हमारे लिए एक ऐसा बनाया है जिसे कि हम लोग ये भविष्य तक इसे देखेंगे, काफ़ी बड़ी काफ़ी विशाल है ये। सामने की व्यू आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो सामने दिख रही है ये रास्ता, ये पथ दिख रही है, ये फुटपाथ के लिए बनाई गई है। जस्ट इसके बगल में पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है और आने वाले भविष्य को सोचते हुए ये बनाया गया है पुल ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियाँ ना हो। और ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी लग रही है, इसके बारे में मैं क्या आपको बताऊँ। ये सामने से देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये गांधी सेतु। तो ये देखिए एक भाई है जो कि उधर से आ रहे थे, ये हाजीपुर से। आप उधर से आए तो आपको कैसा महसूस हुआ आने के बाद, क्या अच्छा बता सकते हैं? बहुत अच्छा लगा, पुल पे रुकते हुए मैंने देखा पुल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा, अंदाजे फील हो रहा था और जाम भी नहीं लग रहा है। तो आप साइकिल से आए, ये देख सकते हैं कि ये साइकिल से आए हैं और ये डबल लेन होने के कारण जाम नहीं लग रही है, ये आराम से आ चुके हैं। अभी पटना हाजीपुर से आ रहे हैं, हाजीपुर से पटना। हम लोग डेली इतना राइडिंग करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं तो हम सोचे नया पुल बनाए क्यों ना घूमा जाए इस पर, तो बहुत अच्छा अंदाज लगा आज।